नमस्कार मैं हूं अमित और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप सेवन बेस्ट स्मार्टफोन्स की जो कि आप खरीद सकते हैं बीस हज़ार रुपये से नीचे की प्राइस में इस महीने वैसे यहां पर हमें काफ़ी अच्छी सेल्स भी देखने को मिल रही हैं इस महीने तो अच्छे खासे डिस्काउंट भी हैं दोस्तों तो अगर आपका बजट दोस्तों लगभग पंद्रह हज़ार से लेकर बीस इक्कीस हज़ार रुपये तक का है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है इसीलिए बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में दोस्तों वैसे आपको बताया दें कि आज की लिस्ट में सभी 5G फोन को ही इंक्लूड किया गया है क्योंकि अब अगर आपका बजट दोस्तों 15 से बीस हज़ार है तो आपको एक 5G फोन ही लेना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में 5G ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इनफैक्ट इसका कवरेज भी दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वैसे जिन भी स्मार्टफोन की हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में यह आप यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट में जाकर चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको करंट प्राइसिंग और ऑफर भी देखने को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं स्टार्ट करते हैं नंबर सेवन के साथ और नंबर सेवन पे है दोस्तों वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट सी टू लाइट की दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो कि आपको मिलता है लगभग उन्नीस हजार रुपये की प्राइसिंग में अब वन प्लस फैंस के लिए तो डेफिनेटली दोस्तों ये काफी अच्छा डिवाइस है क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन ऑयस देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है तो यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ परफॉर्मेंस की तो डेफिनेटली ये भी अच्छा है ये आता है स्नैपड्रैगन 695 नाइनटी के साथ में दोस्तों तो परफॉर्मेंस में भी ऐसे कोई भी कंप्लेन देखने को नहीं मिलती है इनफैक्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ फोन के डिस्प्ले की फुल एच प्लस के साथ में हमें आई पी पैनल देखने को मिल जाता है फ़ोन का डिज़ाइन अच्छा है दोस्तों इनफैक्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ कैमरा की तो यहाँ पे यह फ़ोन पीछे नहीं रहता है 64 फोर मेगा पिक्सल के प्राइमरी सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं फोन में बाकी आपको पाँच हज़ार एम का बैटरी देखने को मिल जाता है और ये सपोर्ट करता है थर्टी थ्री का फास्ट चार्जिंग तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही बैलेंस फ़ोन है अगर आप वन का ही फोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे सबसे पहली प्रायरिटी रख सकते हैं लेकिन हाँ अगर आप किसी दूसरे ब्रांड में देख सकते हैं तो फिर आपके लिए और भी काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं ये आता है दोस्तों लिस्ट में नंबर सेवन की पोजीशन पर नंबर सिक्स पे है दोस्तों रियल की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च रियलमी टेन प्रो की यहाँ बात कर रहा हूँ जिसका प्राइसिंग आपको मिलने वाला है दोस्तों लगभग उन्नीस हज़ार रुपये हालांकि अभी तक मैंने इस फोन को यूज़ नहीं किया है दोस्तों ये मेरे पास नहीं आया है लेकिन इसका जो अपर मॉडल है दोस्तों रियल मी टेन प्रो प्लस इसे मैं यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी अच्छे से टेस्ट भी किया है उसको वो भी काफ़ी अच्छा डिवाइस है लेकिन उसका प्राइसिंग लगभग पच्चीस आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों प्राइस और स्पेसिफिकेशन को देखकर फीचर्स को देखकर यह फोन ठीक लग रहा है लगभग उन्नीस हज़ार रुपये की प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली आप इसे कंसर कर सकते हैं अगर आप रियलमी की तरफ से कोई फाइव

वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों फोन के बैटरी की तो पाँच हज़ार एम का बैटरी है तैतीस वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फोन में ड्यूलिस्ट स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा डिवाइस है आप इसे कंसल कर सकते हैं ये आता है वर्ल्ड लिस्ट में नंबर सिक्स की पोजिशन पर नंबर फाइव की बात कर रहे हैं दोस्तों तो ये आता है सैमसंग की तरफ से और यहाँ पर बात कर रहा हूँ सैमसंग गलेक्सी एम थर्टी की दोस्तों जिसका प्राइसिंग आपको लगभग अट्ठारह हज़ार के आसपास देखने को मिल जाता है दोस्तों ये भी एक फाइव फोन है जो कि सपोर्ट करता है ट्वेल्व फाइव बैंड को यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो यह फ़ोन उसमें भी पीछे नहीं रहता है ये आता है Exynos के, चिपसेट के साथ पे दोस्तों इनफैक्ट यहाँ पर आपको का UI वर्जन देखने मिल रहा है, जो कि हम जानते हैं दोस्तों, काफी अच्छे है। तो यूजर हमें काफी अच्छा देखने मिल जाता है वैसे यहां पे जो सकता है अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर फोन के डिजाइन की तो वो आप देख सकते हैं काफी डिसेंट डिजाइन है डिस्प्ले आता है हालांकि फिर भी कलर्स वगैरह अच्छे हैं मतलब परफॉर्मेंस निराश नहीं होंगे ये मैं आपको जरूर कह सकता हूं अगर मैं बात कर रहे हैं दोस्तों कैमरा की तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों मेगा के कैमरा काफी अच्छा होते हैं तो यहां पे दोस्तों ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी फोन में आपको दोस्तों छह हजार एमएच का बैटरी देखने मिल जाता है ट्वेंटी फाइव का चार्जिंग को सपोर्ट करता है इसके अलावा सैमसंग के जो एडवांस फीचर होते हैं जैसे कि सिक्योर फोल्डर नॉक सिक्योरिटी वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है तो डेफिनेट दोस्तों यह फोन आप कंसिडर कर सकते हैं ये आता है में, में नंबर फाइव की पोजिशन पर नंबर फोर की बात करते हैं दोस्तों तो फिर से ये आता है रियल की तरफ से और यहाँ पे बात कर रहा हूँ रियलमी नाइन एस ई फाइव जी की दोस्तों जिसका प्राइसिंग आपको मिलता है लगभग उन्नीस हज़ार रुपये हालांकि अभी सेल में यह हमें लगभग सत्रह हज़ार रुपये की प्राइसिंग में देखने को मिल रहा है तो ये भी एक अच्छा डिवाइस है दोस्तों प्राइस के हिसाब से क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है स्नैप ड्रेगन सेवन सेवेंटी एट जी चेबसाइट दोस्तों बहुत ही पावरफुल चिपसेट है और प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलने वाला है और साथ ही दोस्तों ये आपको मिलता है वन फोर्टी स्क्रीन रिफ्रेशर के साथ में तो गेमिंग का एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे ये काफी अच्छा स्मूथ डिस्प्ले था हालांकि दोस्तों इसमें भी आपको एक आईपीएस पैदल ही देखने को मिलता है फुल एच डी का रेजोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है फोन का डिज़ाइन दोस्तों डिसेंट है बात करते हैं फोन में कैमरा की दोस्तों तो ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं फोर्टी एट मेगा पिक्सल का प्राइमरी सेंसर यहाँ पे दिया गया है कुछ इमेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फोर्टी एट मेगा पिक्सल मत जाइएगा अच्छा खासा कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों तो ये भी अच्छा डिवाइस है दोस्तों लेकिन हाँ अगर आपका प्राइटी दोस्तों परफॉर्मेंस होता है तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले इसको चेकआउट करना चाहिए ये आता है दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर फोर की पोजिशन पर नंबर थ्री की बात कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ पहला ऑप्शन है दोस्तों पोको की तरफ से पोको X4 फोर प्रो दोस्तों और दूसरा ऑप्शन आपको देखने मिलता है मोटो की तरफ से मोटो G82 प्राइस आपको पोको X4 का मिलेगा लगभग सोलह हज़ार में साढ़े सोलह हज़ार रुपये जबकि मोटो जी आपको मिलता है लगभग अठारह साढ़े की प्राइस में दोनों ही फोन काफी हद तक सिमिलर भी है लेकिन हाँ कुछ कुछ डिफ्रेंसेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं हालांकि अगर आपको डिटेल कंपेरिजन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं हमने इसका डिटेल कंपेरिजन ऑलरेडी किया हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों ही फोन का डिज़ाइन काफ़ी डिसेंट डिजाइन है हालांकि थोड़ा सा बेटर डिजाइन आपको पोको एक्सपोर प्रो का देखने को मिलने वाला है क्योंकि रियर साइड से भी आपको ये ग्लास बिल्ड के साथ में देखने को मिल जाता है फ्रंट की बात कर रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही फोन पंच वे डिस्प्ले के साथ में आते हैं हालांकि डिस्प्ले क्वालिटी में दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है पी वाले डिस्प्ले के साथ में, में मोटो जी एटी टू देखने को मिलता है जबकि सुपर एमर पैनल के साथ में हमें पोको एक्सपो प्रो देखने को मिल रहा है दोनों ही फोर्स वन ट्वेंटी एट्स के स्क्रीन रिफ़्रेश को सपोर्ट करते हैं दोस्तों यहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ कैमरा की तो सिक्सटी फोर मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको पोको X4 प्रो में देखने मिलता है जबकि मोटो जी एटी टू में फिफ्टी मेगा पिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है कुछ इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटो जी एटी टू में दोस्तों एक और एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको ओआईस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करता है दोस्तों यहाँ पर हमने को इसको अच्छे से टेस्ट भी किया है और ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलावा बात की जाए बैटरी की तो पांच हजार का बैटरी आपको देखने को मिलता है पोको एक्सफोर प्रो में जबकि पांच हजार एमएच का बैटरी आपको देखने को मिलता है मोटो जी एटी में दोनों ही फोर्स में आपको ड्यूल स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोनों ही फोर्स आते हैं ड्रेगन सिक्स नाइन के साथ में

और क्लियर हो पाएंगे हमारी लिस्ट में ये दोनों ही आते हैं दोस्तों नंबर की पर नंबर टू की तरफ चलते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है पोको और रेडमी नोट इलेवन प्रो प्लस में दोस्तों हालांकि प्राइस का थोड़ा सा लगभग उन्नीस हजार रुपए की प्राइसिंग में अब दोस्तों क्या देखने को मिलेगा कैमरे का जी हां रेडमी नोट इलेवन प्रो प्लस आता है दोस्तों वन जीरो एट मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ में जबकि पोको एक्स फोर प्रो आता है दोस्तों फोर मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ में जी हाँ जो मेन डिफरेंस है वो आपको यही देखने को मिल जाता है लेकिन हाँ अगर मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं तो वो मेरा थोड़ा सा बेटर था दोस्तों रेडमी नोट 11 प्रो प्लस के साथ में इसीलिए ये एक स्टेप ऊपर है मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ पोको एक्सपो प्रो से बाकी अगर आपको पोको एक्सपोर प्रो का प्राइस थोड़ा सा कम लग रहा है तो फिर आप उसकी तरफ भी चेक कर सकते हैं दोनों ही फोर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है कैमरे के अलावा तो ये आता है दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर टू की पोजिशन पर और अब दोस्तों फाइनली बात की जाए नंबर वन की तो इस बार भी दोस्तों हमारे लिस्ट में आता है रियलमी का नार्जो फिफ्टी प्रो फाइव दोस्तों जिसका प्राइसिंग आपको मिलेगा लगभग बीस और बीस हज़ार रुपये की प्राइजिंग में दोस्तों मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली बहुत अच्छा डिवाइस है क्योंकि सबसे पहले तो ये आपको देखने मिलता है मीडिया के डायमे

फ़ोन का डिजाइन आप देखिए दोस्तों काफ़ी डिसेंट डिजाइन है बहुत ही कॉम्पैक्ट फोन है जो कि आपको मिलता है सिक्स पॉइंट फोर इचे की स्क्रीन साइज के साथ में तो हैंडसोन ग्रिप भी अच्छा है फोन का हैंड फोन फील भी अच्छा है इस फोन का अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कैमरा की तो फोर्टी एट मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और ये काफ़ी अच्छे इमेजेस को कैप्चर कर लेता है दोस्तों कुछ इमेज आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यू की तो ये काम करता है रियलमी यू आई वर्जन के साथ में लेकिन बहुत ही जल्द हमें यहाँ पर रियल मी यू आई वर्जन का अपडेट भी देखने को मिलने वाला है तो इससे थोड़ा सा यूजर इंटरफेस और अच्छा हो जाएगा इसका ऑप्टिमाइज़ेशन थोड़ा सा और बेटर होने वाला है अगर हम बात कर रहे हैं इसके अलावा दोस्तों बैटरी की तो पाँच हज़ार एम का बैटरी है तैतीस वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा है मतलब लगभग वो सभी चीज़ें दोस्तों में यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं जो कि हमें एक बीस हज़ार रुपये के फोन से एक्सपेक्ट करते हैं और इसीलिए दोस्तों ये आता है वर्ल्ड इसमें नंबर वन की पोजीशन पर तो कुल मिलाकर दोस्तों ये थे टॉप सेवन बेस्ट स्मार्टफोन जो कि आप खरीद सकते हैं बीस हज़ार रुपये से प्राइस में इस महीने सभी फाइव फोन थे दोस्तों तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है आपको अपना फ़ोन चूज करने में तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में तब तक लिए आपके दिन शुभ रहे और आज का वीडियो देखेंगे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद